हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के दिन दो वीडियो आ चुकी है इन दोनों वीडियो को जाके यहाँ पर देखिए अच्छे खासे आपको वीडियोस एज एज वेल सीखने को मिलेगा अच्छी uh, कोई भी हो किसी के रिलेटेड ही बातें करते हो मैटर सिंपल चीजें होती है कि सीखना किस तरीके से हम चीज सीख के आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किस तरीके से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और एट लास्ट हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं ये हमारा हमेशा व्यू होना चाहिए अब बात करते हैं आज की डेट में देखिए लोगों की क्वेरीज आती रहती है कमेंट आते रहते हैं तो तीन स्टॉक्स से रिलेटेड कमेंट आए हैं एक वीडियो में तीनों कमेंट को या, तीनों स्टॉक्स को यहाँ पर ओवरव्यू करेंगे देखेंगे रिव्यू करेंगे एक तरीके से बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है जितना हो सके हमें सपोर्ट करिएगा कर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है हमें व्हाट्सअप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करा सकते हैं एज वेल एज यहाँ पर किस तरीके से आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं आ, वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो यहाँ पर चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए तो सबसे पहले हम बात तीन स्टॉक्स से में से एक स्टॉक्स है राजरतन राजरतन से पहले कुछ दिन पहले क्योरीज आई थी तो अभी हमने सोचा है कि जो भी आप लोग क्योरी किया करेंगे कोई भी क्योरीज आएगी आपकी तो उसे हम यहाँ पर डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे एक पूरा एक बैच बना के उसे एक पैक बना के उसे हम यहाँ पर प्रेजेंट किया करेंगे तो राजरतन ग्लोबल वायर से रिलेटेड क्वेरीज थी लास्ट वीक तो अगर हम बात करें राजरत्न की तो करता क्या है सबसे पहले जानना ये जरूरी है करता क्या है तो आपने देखा टायर्स टायर्स आपने देखे जो व्हील्स बनते हैं तो उसमें टायर्स के अंदर जो स्टील की जो वायर लगी रहती है ना वो बनाने का कंपनी काम करती है तो अगर हम यहाँ देखेंगे इट्स मैन्युफैक्चर ब्रीड वायर हाई कार्बन स्टील वायर विद स्पेशलिटी इन दी बी डब्लू विच इज ब्रॉन्स कोटेड एंड यूज इन द टायर्स एंड द ड्रॉन स्टील वायर तो ये उन इस, उस एक सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है आई थिंक इससे रिलेटेड हमने पहले वीडियो बना है ये फेम नॉट रॉन्ग अब मार्केट कैप की बात करें तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है आर uh, ओ की बात करें अच्छी खासी है आर ओ e, और डेट की बात करें सत्तर परसेंट डेट भी है कोई प्लेज नहीं है और शेयर सत्ताईस सौ साठ रुपए से यहां पर करेक्ट होता हुआ नजर आया है तो ये शेयर एक ऐसा मल्टी शेयर है जो की अच्छा खासा ऑलरेडी चल चुका है अगर एक साल की भी बात बताए तो एक साल में देख सकते हैं तीन रुपए से ये शेयर यहाँ पर चौसठ रुपए पर जाता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज ये नहीं की ये शेयर ऐसे देखिए काफी स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि ऑन बिना ही किसी रीजन के भागते रहते हैं और कुछ स्टॉक्स रहते तो ऐसे होते हैं जो कि रीजन की वजह से भागते हैं वो एक अच्छा आ... अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपने आप को अगर बात करें रिजल्ट पेश करते हैं तो जो चीज यहाँ पर पेश की जाएगी उसी के हिसाब से शेयर भी भागता हुआ नजर आता है तो राज रतन कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर रहा है इसलिए भागता हुआ नजर आ रहा है बट अभी कुछ टाइम से एक दायरे में यहाँ पर चल रहा है अगर हम यहाँ पर देखे अगस्त के बाद से एक दायरे में ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है उसी दायरे में क्यों करता हुआ नजर आ रहा है इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये ए की लिस्ट में ए की लिस्ट में यहाँ पर ही ये शेयर है यहाँ पर अगर बात करें सेल्स की तो देखिए इस बार की भी सेल्स

यहाँ पर यहाँ पर कम करी है है बट उनके पास पास पब्लिक पब्लिक की बात करें तो देखिए के पास बढ़ती हुई नजर आ रही है और अच्छी खासी हिस्सेदारी पब्लिक के पास भी नजर आती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया राज्यवर्तन एक मल्टीबैक स्टॉक्स है, है बहुत चल चुका है रुपए के लेवल से यहाँ, पर यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये शेयर देखिए रिजल्ट अच्छा है स्टिल यहां पर आज की डेट में भी गिरावट थी क्यों थी क्योंकि ये शेयर ए की लिस्ट में और जितने भी ए की लिस्ट में है वो शेयर इसी तरीके से ट्रीट करते हुए नजर आएंगे अगर आप सोचेंगे कि ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे तो अपर सर्किट लगता रहेगा तो ऑपरेटर इसे चाहेंगे तो कर सकते हैं बट अगर हम बात करें ये कंपनी का मार्केट कैप छोटा मोटा नहीं है बड़ा है पच्चीस सौ करोड़ की कंपनी है और यहाँ पर बात करें सब मिलकर करना चाहे तो ऑपरेटर यहाँ पर कर सकते हैं बट it. यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट है एवरीथिंग इज गुड जब तक एएसएम की लिस्ट से बाहर नहीं आता तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये शेयर आपको एक अच्छे खासे लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा इसी लेवल पर घूमता रहेगा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नीचे तो यहाँ पर खरीद लिया सौ दो सौ रुपए तीन सौ रुपए बढ़े तो यहाँ पर बेच दिया फिर नीचे आए तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं बेहतरीन स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए व्यू से अच्छा है अच्छा खासा शेयर यहाँ पर भागा भी है इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर की जो की है यहाँ पर अनमोल इंडिया अनमोल इंडिया की अगर मैं बात बताऊं तो देखिए कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी फिफ्टी के आसपास ही खरीदा था उसके तो बाद एक ही दिन बीस परसेंट भागा भी था हमने उस टाइम बेच भी दिया था स्टॉक को आरोपी सब कुछ अच्छा डेट इस पे ऊपर ज्यादा है याद रखिएगा और यहाँ पर बात करें कंपनी का दो सौ अड़तीस नजर आया है यहाँ पर मैक्सिम चार पैटर्न देखेंगे तो गिर यहाँ पर जाके यहाँ पर गिरता है तो अनमोल इंडिया करता है क्या अनमोल इंडिया कोल सप्लाई का काम करता है और यहाँ पर इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर एशिया यहाँ पर काम यहाँ पर कोल सप्लाई करता हुआ दिखाई देता है अभी जब एनर्जी से रिलेटेड या कोल से सप्लाई से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी एट दैट मोमेंट यहाँ पर न्यूज भी थी तो ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा था और एक अच्छा खासा लेवल से ये यह शेयर यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा भागा भी था बट अभी क्या हो, अभी क्या है अभी भागेगा या नहीं भागेगा इससे लोगों ने ऊपर लेवल पर भी ले रखा है तो देखिए यहाँ पर कंपनी uh, के जो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आते रहे हैं कंपनी इयरली बेसिस पर भी अच्छा खासा परफॉर्म करती रही है इसमें कोई यहाँ पर दोहराई नहीं है जीरो से एक करोड़ तीन चार पांच दस करोड़ की यहाँ तक यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट अपने आप को जनरेट किया कंपनी प्रॉफिटेबल है एज वेल एज ए लॉन्ग टर्म का यहाँ पर व्यू भी, भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है बट अगर जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी बिल्कुल ही माइक्रो कैप कंपनी है एक सौ अड़सठ करोड़ रुपए का मार्केट कैप है ओके तो इसमें रिस्क भी बनी रहती है और अभी जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते क्योंकि देख जैसे कि आप देख रहे हैं जून के क्वार्टर के रिजल्ट देख रहे हैं सेप्टेम्बर के नहीं एक बार इसके रिजल्ट देख लीजिए रिजल्ट किस तरीके से आता है अभी थोड़ा बहुत टाइम में रिजल्ट आएगा उस दिन शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जंप आ जाए बट रिजल्ट एक बार देखना बहुत जरूरी है और रिजल्ट के साथ साथ इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है और लॉन्ग टर्म का आपको व्यू रखना पड़ेगा अदरवाइज इसमें इसी तरीके से बाकी इसी तरीके से कभी भी गिरावट होती रहेगी क्योंकि तो स्मॉल कैप के शेयर है एक सौ करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और प्रोमोटर्स के पास फिफ्टी और पब्लिक के पास फोर्टी टू में से अगर हम बात करें अच्छी अच्छी यहाँ पर ट्रेडिंग भी है तो कोई भी बड़ा आदमी इसे यहाँ पर अगर हम बात करें मैन्यूपलेट भी कर सकता है शेयर को तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनबोल इंडिया की क्योंकि छोटा सा मार्केट कैप है तो इजीली यहाँ पर जिसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे वो यहाँ पर मूव कर सकता है एन एस सी पे चार्ट पैटर्न इतना ही है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर अगर हम बनाना चाहे चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक कप और फिर उसके बाद हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है कब हैंडल पैटर्न बट यहाँ पर ये कब विध हैंडल पैटर्न कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा इसके रिजल्ट पे अब इसके रिजल्ट अभी मैंने देखे थे तो अभी तक तो इसके आते हुए दिखाई दिए नहीं थे यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर एक आ, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं इसे तो यहाँ पर रिवर्स यहाँ पर शोल्डर बनाया इसके बाद ये हेड बनाया इसके बाद यहाँ पर एक शोल्डर बना के शायद चीजें निकले तो अभी आप किसने 178 सेवेंटी के टारगेट के लिए जा सकते हैं देख सकते हैं आर अच्छी खासी है थर्टी के आर पे चल रहा है शेयर ऑलरेडी यहाँ पर दो सौ से यहाँ पर अच्छा खासा कनेक्ट हो चुका है बट इसके रिजल्ट किस तरीके से आएंगे उस स्टेट पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पर ये शेयर बीस तीस परसेंट यहाँ पर मुझे लगता है कि तीन अगर रिजल्ट के बाद दो तीन अच्छे सही सा ठीक ठाक रिजल्ट आते हैं तो दो तीन महीने में ये बीस तीस परसेंट की रिटर्न दे देता है तो उसके बाद जाके प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टेस से इन स्टॉक्स में रहना ओके okay, जब तक आ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा इस पर्टिकुलर शेयर में लं, लंबे टाइम तक रुके रहना क्योंकि कोल्ड से रिलेटेड बिजनेस है और आजकल आगे के अगर व्यू देखा जाए तो इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और सोलर से रिलेटेड बातें होंगी इससे रिलेटेड नहीं तो ये दो स्टॉक्स हो गए अनमोल इंडिया राजरत्न अनमोल इंडिया और राजरत्न और एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट आज ही मैंने इसमें अपनी पोजिशन भी लिया ये आपको बता देता हूँ एप्टस की बात करें यहाँ पर देखिए एप्टस हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है इससे पहले यहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी आपको होम फर्स्ट से रिलेटेड बताया था कि होम फर्स्ट में किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट के बाद शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था तो जितने भी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है वो अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर रही है आज एच ने भी किए लास्ट टाइम यहाँ वीकेंड पे एप्टस ने भी किए आर ओ सी आर ओ ही बारह ही रहता है फाइनेंस कंपनी में एटी का यहाँ पर डेट देखेंगे नहीं मार्केट कैप स्मॉल मिड कैप कंपनी है शेयर दो रुपए से यहाँ पर 330 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर देखें तो कंपनी अभी न्यू लिस्टेड है अभी आती हुई दिखाई दी थी यहाँ पर अगस्त में ही आई है और उसके बाद से ये 200 हंड्रेड डीएमए के आसपास चल रही है और नीचे गिर रही है बट अगर हम इसके रिजल्ट देखते हैं तो इयरली क्वार्टरली बेस पे सेल्स में जंप है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंपनी का, का, का कंसिस्टेंसी के साथ ईयरली परफॉर्मेंस पर देती हुई नजर आ रही है दो सौ अठारह करोड़ हाइस्ट है रेवेन्यू है प्रॉफिट है इसके अलावा रिज, रिजर्व कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अच्छे खासे और बोराइंग कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है जो की अच्छी बात है जितना बोराइंग देंगे उतना यहाँ पर पैसा यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा ये भी चीज है

तो एपटेस हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो इसमें इसी तरीके से जंप और गिरावट होती रहती है तो यहाँ पर रिस्क भी देखा जाएगा रिवॉर्ड भी देखा जाएगा बट अभी जिस तरीके से रिजल्ट आया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के आए रहे तो फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस लेवल के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊ तो थ्री एटी वन तक ये शेयर जा सकता है ज्यादा अभी एक्सपेक्टेशन मतलब रखना और दूसरी अम, ये अभी न्यू लिस्टिंग शेयर है तो शायद अच्छा खासा मूव भी दे सकता है और यहाँ पर अगर मैं आप, आप बात करूं तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर जिसे कहते हैं कैसे कैसे पता चल रही है कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखे यहाँ पर एक शोल्डर बनाता हुआ नजर आया है यहाँ पर ओके शोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर इसने एक हेड बनाया है और है यहाँ तक जाएगा और इसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे आके रिट्रेस होके शायद ऊपर की तरफ भी जा सकता है ये शेयर तो ये चीज यहाँ पर देख लीजिएगा Uh, तो यहाँ पर आप पोजिशन लेना चाहे ले सकते हैं बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके लीजिएगा कंपनी के रिजल्ट अच्छे एवरीथिंग इज लुकिंग गुड कंपनी का uh, मेरे हिसाब से यहाँ तक नेक्स्ट uh, क्वार्टर like, के रिजल्ट से पहले यहाँ तक जा सकता है जो कि अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न भी बनते हुए नजर आते हैं चालीस पचास रुपए का मूव भी है जो कि दस बारह परसेंट होता हुआ नजर आता है और न्यू लिस्टिंग कंपनी है तो शायद uh, और भी ज्यादा अच्छे खासे तरीके से भाग सकता है बट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले एक बार एग्जिट करने की सोचिएगा तब तक शायद ये बीस पच्चीस परसेंट के और ज्यादा शायद ऊपर

तो देखिये फोर हंड्रेड की आज थ्री 390 के आसपास तो परसेंट और यहाँ पर दो तीन परसेंट ये तो 15-16 के रिटर्न बनते रहे हैं नॉट अ बैड रिटर्न और नॉट अ uh, अच्छे रिटर्न ये देख ही तीन महीने में ये टारगेट मेरे ख्याल से अचीव हो जाना चाहिए तो अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके और यहाँ पर और भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर वीडियो इन विद इन अ वीक बनाते हुए दिखाई देंगे और हमें फॉलो करिए सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉन्टेट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस